गरीब छोटी बहू के जादुई झुमके। रानी और उदय की लव मैरिज हुई थी। शादी को 2 साल हो चुके थे। गरीब घर की होने की वजह से रानी की सास प्रेमलता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर उसे छोटी छोटी बातों पर ताने दिया करती। महारानी जी, आज भी लेट उठी हो। शादी को 2 साल होने को आए हैं, फिर भी हमारे घर के तौर तरीके अभी तक नहीं समझ पाई। कल से मेरे उठने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, आज बड़ी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज घर का सारा काम तुम अकेली ही करोगी। लेकिन माँ जी, आज मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तो क्या हुआ, कल चली जाना। हर रोज बाहर जाती रहती हो, एक दिन नहीं जाओगी तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? सास की बात सुनकर रानी उदास मन रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। रानी के जेठानी माधुरी अमीर घर की होने की वजह से प्रेमलता की चहेती बहू थी, साथ ही साथ वो बहुत घमंडी थी। वहीं दूसरी ओर रानी एक गरीब किसान की बेटी थी। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद रानी और उदय के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन होने लगी, जिसकी वजह से वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं थी। वो अक्सर उदास रहती। बेचारी रानी अपनी दुख भरी कहानी किसे बताती, इसलिए घर का काम खत्म करने के बाद अक्सर वो गांव के पास काली माता के मंदिर जाया करती थी। अगले सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करने के बाद रानी पूजा की थाली लिए काली माता मंदिर जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अम्मा, मेरे पास तो मंदिर में चढ़ाने के लिए सिर्फ ये 2 लड्डू है और कुछ नहीं है मेरे पास, आप ये लड्डू खा लीजिए। ये कहकर रानी ने अपने थाल में रखे 2 लड्डू बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे दिए। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी दोनों लड्डू खाए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम सच में बहुत ही नेक दिल की हो, तुमने भगवान को चढ़ाने के लिए रखे लड्डू मुझे खाने को दिया, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। अम्मा, आप चलिए मेरे साथ घर पर, मैं आपको पेट भरकर भोजन कराऊंगी। मेरी भूख तो मिट गई बेटी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। एक बूढ़ी माँ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लेना। बूढ़ी औरत ने अपने झोले में से एक छोटी सी डिब्बी रानी के हाथों में रखते हुए कहा, बेटी ये जादुई झुमके हैं, इसे पहनते ही तुम किसी के भी मन की बात जान जाओगी। इस झुमके के इस्तेमाल से तुम अपने ससुराल वालों का दिल जीत लोगी और सबकी चहेती बन जाओगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रानी बहुत खुश हुई। जैसे ही रानी ने उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करना चाहा, वो अचानक से गायब हो गई। अरे अम्मा कहाँ गई? अभी तो यही थी। रानी ने बूढ़ी औरत को यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा। आखिर में वो झुमके लेकर घर लौट आई और अपने कमरे में जाते ही रानी ने कानों में जादुई झुमके पहने। फिर वो सास के कमरे में गई। आ गई महारानी, घूमना फिरना हो गया हो तो दोपहर का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर। रानी खाना बनाने जा ही रही थी कि तभी पास में खड़ी सास मन ही मन बोली, एक हफ्ते के सारे काम इससे आज ही करवाऊंगी। खाना बनाने के बाद ढेर सारे कपड़े धोने के लिए बोलूंगी। जादुई झुमके पहनी रानी अपनी सास के मन के सारी बात सुन ली। माँ जी, धोने के लिए कपड़े भी होंगे, एक हफ्ते के सारे कपड़े निकाल दीजिए, मैं उसे धो दूंगी। रानी की बात सुनकर प्रेमलता हैरान रह गई कि उसके मन की बात रानी ने कैसे जान ली। कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाली पुष्पा मौसी उनके घर आई और प्रेमलता को मिठाई का डब्बा देते हुए बोली, ये लीजिए, मुंह मीठा करिए, आज मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई,
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं। पुष्पा मौसी के चले जाने के बाद प्रेमलता ने जैसे ही मिठाई का डब्बा खोला, वो डिब्बे में बेसन के लड्डू देखकर उदास हो गई और मन ही मन बोली, बेसन के लड्डू, काश मैं बेसन के लड्डू खा पाती। वैसे भी लड्डू खाए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अब शुगर होने की वजह से नहीं खा सकती। पास में खड़ी रानी अपनी सास की मन की बात सुन लेती है। फिर शाम को सारा काम खत्म करने के बाद शुगर फ्री बेसन के लड्डू बनाकर सास को देने उनके कमरे में गई। माँ जी, कुछ दिनों से मुझे बेसन के लड्डू खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने आज बना लिया। आप चक्कर बताइए कैसे बने हैं। टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है आपको शुगर है, इसलिए मैंने शुगर फ्री बेसन के लड्डू बनाए हैं। बेसन के लड्डू देखकर प्रेमलता बहुत खुश हुई। उसने झट से प्लेट में से 5 लड्डू उठाकर खा गई और खुश होते हुए बोली, छोटी बहू, एक तू ही है इस घर में जो मेरी मन की बात समझ जाती है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। एक हफ्ते के भीतर ही जादुई झुमके की वजह से रानी घर में सबकी सहेती बन गई। जो प्यार और सम्मान बड़ी बहू माधुरी को मिलता था, वो अब रानी को भी मिलने लगा। ये देख बड़ी बहू माधुरी को रानी से ईर्ष्या होने लगी। मैं इसे अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगी, जल्द ही मुझे कुछ करना होगा। फिर एक दिन माधुरी ने रानी को फोन पर अपनी माँ से जादुई झुमके के बारे में बात करते हुए सुन लिया और माधुरी मन ही मन बोली, अच्छा तो ये माजरा है, देवरानी जी के पास जादुई झुमके हैं। ये सब उन झुमकों की वजह से हो रहा है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, उन झुमकों पर सिर्फ मेरा हक है। माधुरी की मन की बात रानी सुन लेती है। वो जादुई झुमके को छुपाकर रख देती है और उसके बदले हूबहू वैसे ही नकली झुमके देती है। जब रानी कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गई, तभी चुपके से माधुरी कमरे में आकर नकली झुमके चुरा लेती है। अब देखती हूँ रानी कैसे बनती है सबके चहेती। अगले दिन जब घर के सभी लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी माधुरी नकली जादुई झुमके पहनकर उनके पास गई और उनके मन की बात सुनने की कोशिश करने लगी। लेकिन नकली झुमके पहनने की वजह से वो किसी के मन की बात नहीं सुन पाती। माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोलिए। और देवर जी, आपने कुछ कहा क्या? और आप थोड़ा जोर से कहिए ताकि मैं सुन सकूं। माधुरी की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। बड़ी बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कैसे भय की बातें कर रही हो? माधुरी पूरा दिन घर वालों से अजीब तरह से बातें करने लगी। उसकी बचकानी बातें सुनकर सभी उस पर गुस्सा करने लगे। उधर रानी अपनी जेठानी की हरकतें देख हंस हंस कर लोटपोट होने लगी। उस दिन के बाद से रानी की जिंदगी जादुई झुमके की मदद से खुशहाल हो गई और घर की चहेती बहू बन गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।